लोकसभा बक्तव्य रखछेन अमित शाह, नजर रखबो सेदिके। जनता में विश्वास इसलिए है कि देश के 60 करोड़ गरीबों को उनके जीवन में नई आशा का संचार अगर कोई एक प्रधानमंत्री और एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार। माननीय, मैं डिटेल बात बाद में करता हूं, मैं भी देश भर में घूमता हूं, जनता के बीच में जाता हूं, मैंने जनता के साथ कई जगह से संवाद किया है, कहीं पर भी अविश्वास की आछी पतली झलक भी नहीं दिखाई पड़ती। मैं बताता हूं दादा, बंगाल का भी बताता हूं। माननीय, ये सरकार, मैं इस सदन के सामने आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं, आजादी के बाद कोई एक सरकार और कोई एक नेता में जनता को सबसे ज्यादा विश्वास है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। दो तिहाई बहुमत से दो दो बार एनडीए को चुना गया, पूर्ण बहुमत से दो दो बार भारतीय जनता पार्टी को चुना गया। 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार देने का काम ये देश की जनता ने लगातार दो बार किया। और प्रधानमंत्री, माननीय, ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आजादी के बाद देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई है तो नरेंद्र मोदी। और ये मैं नहीं कहता, दुनिया भर के कई सर्वेक्षण कहते, आजादी के बाद सबसे ज्यादा एक भी छुट्टी लिए बगैर 24 घंटे में से 17 घंटे काम करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। माननीय, आजादी के बाद देश के हर राज्य में सबसे ज्यादा किलोमीटर और सबसे ज्यादा दिन प्रवास करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। माननीय, कोई सरकारें कई सालों तक चलती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 35 साल तक अक्षुण रूप से चली, कई सालों तक चलते हैं, तब 2-3-4 निर्णय ऐसे होते हैं जिसको युगों तक याद किया जाता है। माननीय, नरेंद्र मोदी सरकार 9 साल में 50 से ज्यादा फैसले ऐसे हैं जो युगांतकारी फैसले हैं, जो इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से मंडित। माननीय, आज 9 अगस्त का दिन है। 9 अगस्त के दिन महात्मा गांधी ने हमारे आजादी के आंदोलन के एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। एक उन्होंने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया का नारा दिया था। मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर 2014 से 2023 में लगभग 9.5 साल में एक नए प्रकार का राजनीतिक युग का शुरुआत किया है। माननीय, लगभग 30 साल से इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासूर से ग्रसित रही। सारे के सारे जनादेश कोई भी चुनावी विजय पराजय के आंकड़ों के एनालिसिस करने वाले पंडित सारे जय पराजय को देख ले, मोदी जी के 2014 के विजय के पहले सारे जय पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार किया इसको हटाने के लिए आए, या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवारवाद के पीछे जातिवाद का एक अनोरथ संतान भी होता है, और तुष्टीकरण से प्रभावित जनादेश थे। भारतीय लोकतंत्र को ये 3 नासूरों ने घेर लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह दी और आज विकास जनता के फैसलों का निर्णय करता है। मगर फिर भी कहीं कहीं
दूर तक भ्रष्टाचार भी बैठा है, बच गया है, परिवारवाद तो दिखा ही पड़ता है और तुष्टीकरण की राजनीति भी चलती है। इसलिए मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। मान्यवर, अगर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण एक क्विट इंडिया अगर कर लेते हैं तो इस देश की राजनीति में मोदी जी ने 2014 से एक नए युग की शुरुआत करी है, विकास के युग की। वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कल्पना के भारत की निर्मिति 2047 के बहुत साल पहले कर देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मान्यवर, अविश्वास का प्रस्ताव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, हमें कोई आपत्ति नहीं। विपक्ष का उद्देश्य है कोई भी हो, विपक्ष का अधिकार है, अविश्वास का प्रस्ताव ले आते हैं। और मैं तो कई बार मानता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव से पार्टियों के और गठबंधनों के चरित्र उजागर होते हैं। कई बार अविश्वास प्रस्ताव आए, मैंने जैसे पहले कहा, मैं तीन अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करना जरूर चाहूंगा। दो अविश्वास प्रस्ताव है यूपीए सरकार के खिलाफ, जो हम विपक्ष में थे तब लेकर आए थे, और एक अविश्वास प्रस्ताव एनडीए सरकार के खिलाफ था जो यूपीए जब विपक्ष में थी तब लेकर। 1993 जुलाई में नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस की सरकार थी, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। अब सरकार बचानी होती है, नरसिम्हा राव जी को बचानी थी। कांग्रेस का मूल सिद्धांत है एन केन प्रकारेण, सत्ता में बने रहना, सत्ता में बने रहने का प्रयास करना। ना इसके लिए सिद्धांत होते हैं, ना नीतियां होती है, ना औचित्य होता है। मान्यवर, नरसिम्हा राव जी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत गई और बाद में कई लोगों को जेल की सजा हुई, स्वयं नरसिम्हा राव जी को हुई, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को घूस देकर अविश्वास प्रस्ताव पर विजय प्राप्त करी। आज कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी वहां बैठी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वहां बैठा है। मान्यवर, 2008 में मनमोहन सिंह जी विश्वास प्रस्ताव लेकर आए, विश्वास प्रस्ताव के वक्त भी एक बार यहां पर बरोबर देश में वातावरण हो गया था कि इनके पास बहुमत नहीं है, बहुमत था भी नहीं। और मान्यवर, इस सदन ने उस वक्त सबसे कलंकित घटना देखनी पड़ी, सांसदों को करोड़ों रुपये की घूस लेनी पड़ी और हमारे ऑनेस्ट सांसद वो रुपया लेकर पीठ के सामने आए और कहा कि हमें संरक्षण चाहिए, हमें रुपया ऑफर किया गया और वो सरकार बचा ली। तो एक तो चरित्र है यूपीए का, सरकार के सामने अविश्वास का प्रस्ताव आए या कोई अविश्वास का प्रस्ताव न लाए, इसलिए विश्वास का प्रस्ताव वो स्वयं लाए। इसमें से बचने के लिए सारे सिद्धांत, सारा चरित्र, सारे लोकसभा के नियम कानून, हमारी परंपराएं, इसको त्याग कर एन केन प्रकारेण सत्ता को संभालना और सत्ता पर काबिज रहना। इसके सामने मान्यवर दूसरा एक उदाहरण है, 1999 अटल जी की सरकार थी और अविश्वास प्रस्ताव आया। मान्यवर, ये जो कांग्रेस ने किया वो हम कर सकते थे, क्योंकि 93 में नरसिम्हा राव जी ने देश के सार्वजनिक जीवन को एक एग्जाम्पल पूरा कर दिया था कि सरकार ऐसे भी बचाई जा सकती है, करोड़ों रुपया देकर भी बचाई जा सकती है, हम भी कर सकते थे, मगर हमने नहीं किया। मान्यवर, हमने नहीं किया, हमने हमारी बात रखी। देश के प्रधानमंत्री अटल जी ने इसी सीट पर बैठकर अपनी बात रखी संसदों के सामने और जो कहा कि संसद का जो फैसला है मैं सर पर चढ़ाऊंगा, हमें कोई आपत्ति। मान्यवर, सिर्फ एक वोट से सरकार गई, सिर्फ एक वोट से। क्या हम यूपीए और कांग्रेस की तरह बचा नहीं सकते थे? बचा सकते थे, मगर मैंने कहा ना कि कई बार संकट के समय गठबंधनों और पार्टियों का चरित्र उजागर होता है। यूपीए का चरित्र सत्ता बचाने के लिए भ्रष्टाचार करने का चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का चरित्र सिद्ध
सिद्धांतों के लिए राजनीति करने का चरित्र है। माननीय उस वक्त मुझे ठीक याद है, मैं संसद में नहीं था, सदस्य नहीं था, बहुत सारे सीनियर सदस्य होंगे उस वक्त। माननीय एक ही वोट का फर्क था और अंत में गिरधर गोमांग के वोट को हमारे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री उस वक्त मुख्यमंत्री से शपथ ले चुके थे और वोट डालने आए थे, वो वोट को वैलिड गिनना या न गिनना, मगर माननीय आप जिस आसन पर बैठे हो इसकी भी गरिमा का एनडीए ने पालन किया था। हमने कोई दबाव नहीं बनाया, एक वोट हमारे विरुद्ध में गया, हमारी सरकार चली गई, मगर आज मैं फिर से कहना चाहता हूं गौरव गोगाई जी को, मगर जनता है जो सब देखती है, जनता है जो सब जानती है। एक वोट से हमारी सरकार गई, एक वोट से हमारी सरकार जरूर गई, परंतु अंत में क्या हुआ, बहुत बड़े बहुमत के साथ अटल जी फिर से देश के प्रधानमंत्री। माननीय हमारे एनडीए का कुंबा मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में सिद्धांतों की राजनीति को प्रस्तावित करने के लिए राजनीति में है, एन के एन प्रकारण सत्ता को बचाने के लिए राजनीति के अंदर नहीं है। और ये दो चरित्र आज इस विश्वास प्रस्ताव पर की चर्चा के माध्यम से मैं 130 करोड़ की जनता को याद कराना चाहता हूं। एक और करोड़ों रुपया खर्च कर बहुमत खरीदने वाले लोग बैठे हैं और एक बार सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ने वाले लोग बैठे हैं। जनता देश की जनता ने मान्यवर, अरे शुरुआत है, धैर्य रखो, काफी सुनना पड़ेगा। सुरेश जी ये तो ट्रेलर है, अभी ट्रेलर है। मान्यवर अभी बात निकली गरीब कल्याण की, हमारी साथी मंत्री अनुप्रिया जी गरीब कल्याण के सारी बातें बता रही थी। मान्यवर गरीबी हटाओ का नारा दिया, सालों तक गरीबी हटाओ के नारे के आधार पर देश की भोली भाली गरीब जनता का विश्वास प्राप्त किया और वोट लेते रहे, जीतते रहे, गरीबी जस की तस रह गई। नरेंद्र मोदी जी ने कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए, परंतु नरेंद्र मोदी जी के जहन में, नरेंद्र मोदी जी के जहन में गरीबी का डंक भी था, दंश भी था, क्योंकि वो स्वयं गरीब के घर से आकर इस सबसे बड़ी पंचायत में आए थे। इन्होंने गरीब कल्याण के लिए माननीय इन्होंने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे, माननीय सुरेश जी इतने सीनियर मेंबर है, उनको अविश्वास प्रस्ताव का कैरेक्टर मालूम नहीं है। आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हो तो सरकार के समग्र कामकाज पर क्वेश्चन मार्क करते हो, और क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसलिए मुझे सरकार के परफॉर्मेंस की चर्चा करनी पड़ेगी। माननीय इस देश के करोड़ों गरीबों के नसीब में जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने धुएं से भरा हुआ घर था। मोदी जी ने 9.6 करोड़ 9 करोड़ 60 लाख गरीब महिलाओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजा और उसकी झोपड़ी को धुएं से मुक्त कराने का काम किया। दोनों ने कहा है तो मोदी वैक्सीन है, देखो लेना मत, टेस्टिंग ब्रांटिंग। और मान्यवर अब बैठे मान्यवर मान्यवर जनता ने वैक्सीन लेना शुरू किया, मोदी सरकार ने चाय पिलाकर वैक्सीन दी, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी, पहला डोज दिया, दूसरा डोज दिया और 130 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाकर कोरोना से बचाने का। माननीय इसके साथ साथ उस वक्त रोजगारी के प्रश्न खड़े हुए,
लॉकडाउन का भी विरोध किया गया, मान्यवर लॉकडाउन का भी विरोध किया गया। मान्यवर सबने कहा कि लॉकडाउन लगाओगे तो गरीब क्या खाए। हमारे सामने दो रास्ते थे, लॉकडाउन न लगाना और पूरे देश की जनता कोरोना में फंस जाए, लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हो। लॉकडाउन भी लगाया, उसको भूखा भी नहीं रखा मान्यवर। 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज ये लॉकडाउन के समय में हमने गरीब के घर में पहुंचाया और उसका चूल्हा चला करा। और वो आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है भाई। अविश्वास प्रधानमंत्री में और मंत्रिमंडल में अविश्वास आपको हो सकता है, देश के गरीब को देश की जनता को नहीं है। क्योंकि उज्ज्वला योजना मोदी जी लाए, हर घर नल मोदी जी ने पहुंचाया, बिजली मोदी जी ने पहुंचाई, पीएम किसान 2.5 लाख करोड़ मोदी जी ने पहुंचाए, 3 करोड़ लोगों को घर दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य का खर्चा दिया, बैंक खाते 49 करोड़ से ज्यादा खुलवाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 25 लाख करोड़ रुपया भेजा, 80 करोड़ गरीबों को वैक्सीन लगाकर अनाज दिया। अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है, वो मोदी जी के साथ। मान्यवर 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 अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी इस सदन में एक ऐसे नेता है, अरे यार सुनो ना, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था, एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम था, कलावती बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन कर पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली, मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा, वो कलावती को घर बिजली गैस शौचालय अनाज स्वास्थ्य ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसलिए इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। मान्यवर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता दी, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% का रिजर्वेशन इतने सालों के बाद पहली बार मिला और 2-2 बार राष्ट्रपति बनाने का उम्मीदवार चयनित करने का हमें मौका मिला। सत्ताधारी पार्टी एनडीए ने बीजेपी ने 1 बार दलित और 1 बार आदिवासी भारत में प्रथम बार करने के लिए। गरीबों के लिए काम करने वाली ये सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण का जो यज्ञ चलाया है, इससे गरीब के घर में जाते हैं तो वो दिन मित्र कर नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। गरीब
अपने आप को अब मोदी जी में अपना मित्र ढूंढता है मान्यवर। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है मान्यवर। मान्यवर अटल जी, मान्यवर अटल जी इस देश को 11वीं अर्थव्यवस्था छोड़कर गए। अब अटल जी तो जन नेता थे, ज्यादातर सांसदों की तरह कार्यकर्ता के नाते काम करते करते, आइडियोलॉजी का प्रचार करते करते देश के प्रधानमंत्री बने। 6 साल तक चलाया, 6 साल में 15वें नंबर से 11वें नंबर पर लाए, फिर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बने। यूपीए की सरकार आई, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 11वें नंबर से 12वें नंबर पर नहीं ले गए, उन्होंने 11वां नंबर संभाल कर रखा। और फिर नरेंद्र मोदी जी आए, ढेर सारे पंडित कहते थे मोदी जी देश का अर्थतंत्र कैसे संभालेंगे, मनमोहन सिंह चौपट कर गए हैं, सारे ग्राफ उल्टे हैं, सारे पैरामीटर्स आउट ऑफ कंट्रोल है। मगर गरीबों के घर से जन्मा हुआ ये आदमी, संघर्ष कर राजनीति में आया हुआ आदमी, सरपंच का चुनाव लड़े बगैर सफल मुख्यमंत्री बनने वाला ये आदमी नरेंद्र मोदी, इसने 9 साल में देश के अर्थतंत्र को 11वें से 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम किया। और मान्यवर आने वाले दिनों में, मान्यवर आने वाले सालों में और आने वाले दशकों में दुनिया के अर्थतंत्र का, दुनिया भर के अर्थतंत्र के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो सब में दूरदर्शितापूर्ण फैसले लेकर मोदी जी ने सटीक नीतियां बनाकर भारत को इसके अंदर एक फाउंडेशन डालने का काम समाप्त कर दिया। चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे डिफेंस का प्रोडक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे क्वांटम इंजीनियरिंग के अंदर संवर्धन और R&D करना हो, और चाहे ऑर्गेनिक फूड का बाजार खड़ा करना हो, ये 7 के 7 क्षेत्र जो इमर्जिंग क्षेत्र दुनिया के अर्थतंत्र में माने जाते हैं, वो 7ों क्षेत्र में मान्यवर मोदी जी ने ऐसा फाउंडेशन डाला है कि आने वाले 5 ही साल में भारत दुनिया के अर्थतंत्र में एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरेगा, इसका मुझे विश्वास है मान्यवर। इंफ्रास्ट्रक्चर की गति शक्ति के तहत सिर्फ 2024-25 तक 2,00,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हम समाप्त कर देंगे। 2020-21 में 37 किलोमीटर प्रतिदिन बनाए, 148 हवाई अड्डे बने हैं, मोदी जी के आने के पहले 74 थे, अब 148 हो गए। वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरू हो चुकी है, 99,000 करोड़ की सागरमाला परियोजना जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा दूरगामी कदम है वो पूरा हो चुका है। कार्गो हैंडलिंग की क्षमता देश की 79% बढ़ी है, अगले साल तक 2 गुना हो जाएगी, और 27 ट्रेनों में मेट्रो उपलब्ध कराई है, और भारत नेट 6.20 लाख किलोमीटर फैला दिया है, लाखों गांवों तक भारत नेट को पहुंचाने का काम। मान्यवर इंटरनेट कनेक्शन में दुनिया में सबसे ज्यादा वृद्धि भारत ने दर्ज करी है, 231% की वृद्धि, और पूर्वोत्तर के लिए भी ढेर सारे एयरपोर्ट बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर स्वास्थ्य के बजट में भी 139% की वृद्धि नरेंद्र मोदी सरकार ने करी है, पिछले 8 वर्षों में 4,85,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। MBBS की सीटों में 93% वृद्धि और PG की सीटों में 100% वृद्धि करकर डॉक्टर की संख्या को दुगना करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर इतना ही नहीं, ढेर सारे विषय मेरे साथियों ने बहुत बताया, मुझे अभी मणिपुर पर भी बात करनी है। मान्यवर नरेंद्र मोदी जी ने समग्र विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है।
मैनेवर क्लाइमेट चेंज हो या टेररिज्म, ग्लोबल नैरेटिव सेट करने का काम आज अगर कोई एक देश कर रहा है तो हमारा महान भारत कर रहा है। मैनेवर G20 का नेतृत्व जब हमें मिला, बहुत सारे देशों को मिला, एक ही शहर में कार्यक्रम करे, आज G20 के कार्यक्रम 55 स्थानों पर कर पूरे विश्व को भारत की संस्कृति से परिचित कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और साहब, इन लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए अविश्वास विश्व भर में एक ही ऐसा नेता है जिसको 14 राष्ट्रों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मैं फिर से, वैसे तो व्यक्तिगत सम्मान मिला है, मगर महान सदन में कहना चाहता हूं, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की भावना है, ये 14 राष्ट्रों ने जो सर्वोच्च सम्मान दिया है, ये देश की 130 करोड़ की जनता का सम्मान, भारत का सम्मान जो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसलिए आपको भले अविश्वास हो, देश की जनता को अविश्वास नहीं। मान्यवर, इस चुनाव में पता चल जाएगा दादा, इस चुनाव के काउंटिंग में पता हो चल जाएगा, और फोन करना मुझे। मान्यवर, देश की सुरक्षा, यूपीए की सरकार थी, 2004 से 2014 तक चली, आए दिन आतंकवादी घुस जाते थे, आलिया मालिया जमालिया घुसते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे। और इस सदन के अंदर थक जाएगा, तुम मत बोलो, वो थक जाए, मैं नहीं थकूं। मान्यवर, सरहद के उस पार से आतंकवादी घुस जाते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे, कोई जवाब नहीं देता था। दो बार पाकिस्तान ने हिमाकत की, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, दूसरी बार एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करने का काम नरेंद्र मोदी। श्रीमान राजनाथ जी यहां बैठे हैं, CDS का मसला, ये भी आपका शोध था, इंप्लीमेंट हमने किया। CDS का मसला कब का लटक रहा था, भटका रहा था, मोदी जी ने CDS का फैसला किया, राजनाथ जी ने सभी को विश्वास में लेकर उसको पार उतारा। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया, और खरीदी के अंदर, डिफेंस के अंदर जिस प्रकार के परिवर्तन हुए, मान्यवर मैं आपको बताता हूं, जितने भी घोटाले, मैं बाद में घोटाले बताता हूं यूपीए के, जितने भी घोटाले हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा करप्शन रक्षा की खरीदी में हुआ। मगर मोदी जी के नेतृत्व में हमारे रक्षा मंत्री जी ने 4,100 आइटमों को इंपोर्ट की नेगेटिव लिस्ट में डालकर यहां उत्पादन